हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज हमारे पास है क्लास फोर की ईवीएस की जो वर्कशीट है, पेपर आपका हुआ था टेस्ट पेपर, उसका सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। देख लेते हैं, कुल टोटल नंबर आपके 20 यहाँ रहने वाले हैं और जो आपको टाइम है वो 40 मिनट का आपको यहाँ दिया गया है। पहले प्रश्न है बहुविकल्पीय क्या होते हैं भाई? चार या तीन आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, उसमें से आपको सॉल्व करना है एक आंसर, मतलब उस पर टिक लगाना है, उसको सॉल्व करके टिक लगाना है कि हाँ भाई ये आंसर सही है। मधुमक्खियों से क्या मिलता है? जी हाँ, हमें मधुमक्खियों से शहद मिलता है, हनी मिलता है। शिक्षा का अधिकार कब अस्तित्व में आया भाई? शिक्षा का अधिकार यानी कि राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार राइट टू एजुकेशन आपका कब आया? जी 2009 में। इसमें क्या होता है भाई, जो आपके बच्चे हैं 8वीं क्लास तक के, उनको मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, वो अपने पढ़ाई मुफ्त कर सकते हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? जी हाँ, खेजड़ी के पेड़ हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। कौन सा जानवर समूह में रहता है? जी हाँ, जो जानवर है हाथी अपने समूह में रहता है। समूह यानी उसके जो छोटे बच्चे हैं, उसके जो भी है सारे लोग ग्रुप में रहते हैं अपने बच्चों के साथ में। बिल की रखवाली कौन सी चींटी करती है? जी हाँ, सैनिक चींटी आपका सही जवाब होने वाला है। चींटी अंडे देती है, ठीक है, जी हाँ चींटी अंडे देती है। हाथियों के झुंड में लगभग 10 से 12 या 15 हाथी होते हैं, 10 से 15 हाथी होते हैं। आरटीए 2009 तक 8वीं तक आपका जो है वो है मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई आरटी है राइट टू एजुकेशन, ठीक है, उसमें आपके जो छोटे बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे अपने जो है एजुकेशन है वो अपना कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको यहाँ पे सरकारी स्कूल में जाके मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। और जो चींटी अंडे कौन देता है भाई? रानी चींटी आपकी जो है अंडे देती है। सैनिक चींटी आपकी क्या करती है भाई? देखभाल करती है, बिल की देखभाल। चलिए मिलान कीजिए, धोबी है, धोबी क्या करता है भाई? धोबी आप सभी को पता है कपड़े धोता है, आपके जो क्लोथ्स है वो गंदे कपड़े हैं वो वॉश करते हैं। मधुमक्खी क्या करती है? जी हाँ, हनी हनी बनाती है, ठीक है, शहद बनाती है। बिल्ली का बच्चा को क्या कहते हैं? बिलोटा। और पेड़ के सर्वोत्तम दोस्त होते हैं हमारे, क्योंकि वो हमें खाना और ऑक्सीजन यानी हवा, शुद्ध हवा हमें प्रदान करते हैं। एक छत्ते में केवल एक रानी मधुमक्खी होती है, जी हाँ ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाघ समूह में रहता है, गलत है, बाघ अकेले रहना पसंद करते हैं, ठीक है। आगे बैठते हैं। मधुमक्खियाँ अंडे कब देती हैं? मधुमक्खियाँ अंडे देती हैं भाई सर्दी के दिनों में। कब देती है भाई? सर्दी के दिनों में। और सर्दी आपको पता है जब फूल आते हैं, सरसों के फूल वो वाले, जब जिसमें भी आपका ठंडा मौसम होता है जब ये अंडे देती हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता भाई? पेड़ नहीं होते यदि पेड़ नहीं होते तो हमें शुद्ध हवा हवा नहीं मिलती, फल नहीं मिलते एवं औषधि यानी दवाई जो आपके पेड़ों से बनती है, औषधि नहीं मिलती, ठीक है। यदि पेड़ नहीं होते तो क्या होता? देखिए मैंने जो बताया है, और आपका जो भाई पेड़ नहीं होते तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती, हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती और फल नहीं मिलते एवं औषधि नहीं मिलती यानी दवाई भी नहीं मिल पाती और भाई जीवन भी मुश्किल हो जाता जीना पेड़ों के बिना। समूह में रहने के क्या फ़ायदे भाई? समूह में हम मुसीबत में
समूह में हम दुख के समय एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। समूह में रहने में खुशी मिलती है। ठीक है, ऐसे आप अपने आंसर जो लिख सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।